तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें सबसे पहले हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली यूज़ होता है, वो है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में सबसे पहले उसके डिवाइस क्या है वो देखते हैं। तो बेसिकली ये डिवाइस जो है यूज़ होता है करंट मेज़र करने के लिए। तो इस गैल्वेनोमीटर को हम करंट भी मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। बाय कन्वर्टिंग दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कैन मेजर दैट इज करंट फॉर ए वेरी लार्ज रेंज, एंड बाय कन्वर्टिंग दिस सेम गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वी कैन मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द वायर। तो आगे देखेंगे कैसे कन्वर्जन होता है। सबसे पहले ब्रीफ करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में, देखते हैं वो क्या है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हम करंट मेजर करते हैं, बट द लिमिटेशन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज दैट इट मेजर्स ओनली स्मॉल करंट। ये केवल स्मॉल करंट मेजर करता है, कुछ माइक्रो एम्पेयर तक केवल। तो इफ़ वी पास करंट थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IG, IG बेसिकली क्या होता है, IG हमारा मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉयल होता है। अगर हम इससे ज़्यादा गैल्वेनोमीटर कॉयल में IG जो उसका रेटेड IG है उससे ज़्यादा अगर हम पास करा देंगे तो कॉयल बर्न हो जाएगी। तो हमारा ये IG जो है मैक्सिमम करंट है, और वो भी कहाँ, गैल्वेनोमीटर के कॉयल में। तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इस कॉयल का बहुत स्मॉल होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, तो गैल्वेनोमीटर में हमने ये देखा कि एक वेरी स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस है। उसकी लिमिटेशन क्या देखी, लिमिटेशन हमने ये देखी कि वो बहुत ही स्मॉल करंट मेजर कर सकता है, और जितना मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर जा सकता है दैट इज़ कॉल्ड योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दैट इज़ आवर IG। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट्स होते हैं, और ये कोई ये एक आयरन कोर होता है। इसमें हम वाइंडिंग्स जो है कुछ वाइंडिंग्स जो है यहाँ पे हम वाइंड करते हैं, और यहाँ से कोई करंट भेजते हैं। तो जो मैक्सिमम करंट इसमें जाता है वही हमारा IG है, इसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल बहुत बेसिक है, जो हम आगे मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे इसका प्रिंसिपल थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर बनता है। भाई इस कॉयल में हमने कुछ अलग से अपना करंट पास किया IG, यहाँ से करंट पास हो रहा होगा इस तरीके से, तो इस करंट कैरिंग कॉयल बन गया ये। अब इसके साथ एक अटैच होता है निडल। अब ये करंट कैरिंग कॉयल जो है किसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो आगे आप पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉयल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क और इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, दोनों करते हैं। तो ये हिंज्ड है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उस टॉर्क की वैल्यू होती है एम क्रॉस पी। उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो सब लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। टॉर्क की वैल्यू है आपका एम क्रॉस बी। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब इसमें बी तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एम क्या है, एम जो है इस कॉयल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है NIA। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, आई जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ए इस कॉयल का एरिया। तो खैर ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, मैंने अभी बस थोड़ा सा आपको बताया है समझने के लिए कि कैसे ये डिफ्लेक्ट होगा निडिल। तो आप इतना समझिए कि निडिल डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू टॉर्क, और टॉर्क कौन लगाता है, इस मैग्नेटिक फील्ड जो है टॉर्क लगाता है इस करंट कैरिंग कॉयल पे। तो ये टॉर्क के वजह से निडिल डिफ्लेक्ट होती है, और इसके साथ एक स्प्रिंग जुड़ा होता है। वही अटैच टू दिस कॉयल इज ए स्प्रिंग सिमिलर टू द हेयर स्प्रिंग ऑन द बैलेंस व्हील ऑफ ए वॉच। तो ये जब रोटेट होगा तो उस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, और जिसके वजह से वो डिफ्लेक्शन होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है हमारा जो है गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल का, कि वो कैसे वर्क करता है। दूसरी, जब हम आगे मैग्नेटिज्म में और डिटेल में, ये आपका टॉपिक है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, तो आप उसके कंस्ट्रक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एज द कॉयल टर्न्स द स्प्रिंग एग्जर्ट्स ए रीस्टोरिंग टॉर्क दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। एज द कॉयल टर्न्स द स्प्रिंग एग्जर्ट्स ए रीस्टोरिंग टॉर्क दैट इज प्रोपोर्शनल टू द
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो आईजी करंट है, ये आईजी करंट या आई जो हम आई मेजर करेंगे अभी आगे हम देखेंगे, तो आईजी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा आईजी, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिफ्लेक्शन यहाँ पे रीडिंग्स बनी होती है, हम डिफ्लेक्शन देखकर रीडिंग मेजर करते हैं। तो दिस इज अ बेसिक थिंग अबाउट ए गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे, हालांकि इंस्ट्रूमेंट्स इसी चैप्टर में है तो मुझे यहीं पे डिस्कस करना पड़ रहा है। दूसरा है आपका कि इस गैल्वेनोमीटर का जो मोर इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो ये है कि मैंने गैल्वेनोमीटर ब्रीफ किया, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को मैंने कहा कि हम दो वे में यूज़ कर सकते हैं, एज ए करंट मेजरिंग डिवाइस, एज ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। तो जब हम इसको करंट मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका नाम पड़ता है एमीटर। तो एमीटर बेसिकली हमारा ये एमीटर है, ये बेसिकली क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, ये हमारा करंट मेजरिंग है। और ये ऐसे गैल्वेनोमीटर भी तो करंट मेजर करता है, लेकिन उसका लिमिटेशन आपने शुरू में ही देखा कि वो वेरी स्मॉल करंट मेजर कर सकता है, जिसका मैक्सिमम आईजी वैल्यू है, अगर उससे ज़्यादा आपने अगर उसमें डायरेक्ट करंट पहुंचा दिया तो वो बर्न हो जाएगा। तो हमें अगर कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि भाई मुझे बड़े लेवल के करंट्स को मेज़र करना है, तो इसी गैल्वेनोमीटर की इफ़िशियंसी को एक तरीके से हम इन्हांस कर देते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करके, और वो जो इन्हांसमेंट होके जो हमारे पास आता है दैट इज़ आवर एमीटर, जिसमें हम रेटेड वैल्यू, जो भी बड़े लेवल की रेटेड वैल्यू है उसका करंट मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो वही है कि एज गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज टू डायरेक्टली टू मेजर बिग करेंट, टू मेजर लार्ज करेंट वी हैव टू कैरी आउट सम मॉडिफिकेशन इन द गैल्वेनोमीटर, वॉट वी गेट आफ्टर मॉडिफिकेशन इज नोन एज एमीटर। तो एमीटर भी एक गैल्वेनोमीटर है, बस विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन द वैल्यू द रीडिंग, जो रीडिंग की रेंज है गैल्वेनोमीटर की उसको हमने बढ़ा दी है, और वही क्या बन गया है हमारा, अब एमीटर बन गया है। तो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए देखते हैं। एमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर करेंट, और ये आपको पता है कि कोई जैसे ये वायर है इसमें करंट आई है, इसको हमें मेज़र करना है, इसको मेज़र करना है, तो एमीटर हमेशा इसके सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो कभी भी ध्यान रखिए कि टू मेज़र द करंट एमीटर ऑलवेज, अभी हमें पूरा आई अगर इसे पूरा मेज़र करना है तो हमें इसको इसके सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, और इस जो हम पैरेलल में जो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इसको हम शंट कहते हैं, जिसको मैं RSH से डिनोट करूँगा, RSH, SH फॉर शंट, R फॉर रेजिस्टेंस। तो अब देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे हुआ। पहले तो हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, तो गैल्वेनोमीटर में हमने उन्होंने देखा कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसके कॉयल का एक अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं RG। तो ये हमारा पूरा अभी क्या है, ये पूरा जो है ये गैल्वेनोमीटर है अभी तक, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, ये इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जिसको हमने RG नोटिफाई किया है, और इसमें हम एक पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसी को मैंने RSH बोला है, और यही हमारा शंट है, उस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का रीज़न क्या है वो देखिए, यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि इसी करंट को मान लीजिए मेजर करना है। अब ये जो पूरा आपको सर्किट कंप्लीट दिख रहा है, जब हमने इस गैल्वेनोमीटर में एक एक पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो यही गैल्वेनोमीटर अब क्या बन गया, ये बन गया हमारा एमीटर, और ये एमीटर अब इस आई करंट को मेजर करेगा, तो ओवरऑल हमने इसको एक सीरीज में लगा दिया, ये एमीटर। एमीटर की इंटरनल सर्किट आपको ध्यान में रखनी है, ये जो एमीटर लगा है इसके इंटरनल सर्किट्स को आपको ध्यान रखना है, इससे सारे क्वेश्चन फिर होंगे। ये एमीटर में क्या क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर है वही एमीटर बना है शंट, बेसिकली हो क्या रहा है कि जो ये आई करंट है अगर आपने शंट किया है ये पैरेलल में, तो दोनों के वोल्टेज तो बराबर होंगे,
ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा, बट इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें करंट क्या होगा? मैक्सिमम करंट जो है, मान लीजिए इसमें गया कितना, इसमें गया, अभी आपने पढ़ा कि इसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है, इसमें मैक्सिमम करंट जा सकता है IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इस आई का बचा हुआ पार्ट I-IG वो संट के थ्रू बाईपास हो जाएगा। इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमें मेजर तो आई करना था, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी कि ये डिफ्लेक्ट होने के लिए ये बहुत ही कम करंट इसको ज़रूरत होगी, तो हमारा IG जो है इसको डिफ्लेक्ट कराएगा। बट हमें ये पता है कि इसका जो डिफ्लेक्शन IG जो है प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अभी देखते हैं कैसे। IG हमारा प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको आई के रिस्पेक्ट में भी प्रोपोर्शनैलिटी या डिफ्लेक्शन मिल जाएगा और हम इसे मेजर कर लेंगे। कैसे देखें, अब हमारे पास ये पता है कि ये ए बी है, तो यहाँ से जो आई करंट गया है इसमें अगर हम KVL लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IG into RG का ड्रॉप, ये जो ड्रॉप होगा IG into RG, ये ड्रॉप होगा इक्वल टू क्या होगा, ये ड्रॉप I-IG into RSH, यही तो होगा शंट। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास मान लीजिए मुझे IG निकालना है, तो IG क्या आ रहा है, RG+RSH, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉयल एंड जो शंट हमने दिया है, इक्वल टू IRSH। तो IG क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा RSH/RG+RSH IN। तो आपने क्या देखा कि ये IG जो है किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के, और IG थीटा के प्रोपोर्शनल है, ऑल्सो IG प्रोपोर्शनल है I के। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है I फिर मेजर कर सकते हैं, और विदाउट जो हमारा लिमिटेशन था कि हमने शंट करके ये फ़ायदा लिया कि बहुत स्मॉल करंट, यहाँ पे शंट नहीं होता तो ये डायरेक्ट करंट I यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कॉयल में जाता और इसे बर्न कर देता, तो यहाँ पे हमने शंटिंग कर दी, तो इससे मैक्सिमम करंट इधर से बाईपास हुआ और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया। हमने थीटा के रिस्पेक्ट में IG निकाला, वो प्रोपोर्शनल टू I होगा, तो हमने I रीडिंग कर ली। तो ये हमारा जो है इस तरीके से गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। तो आपको बेसिक ये इक्वेशन याद रखना है, इसमें से ये इक्वेशन मेन है आपका और ये सर्किट मेन है, इसमें से कुछ भी आपको दिया जाएगा और कुछ पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल। अगर हमारा देखा जाए कि रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर पूछा जाए, तो आप रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर भी बता सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर क्या होगा, तो एमिटर के लिए अब ये पूरा सर्किट है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर हो जाएगा, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में, तो RG into RSH/RG+RSH, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर एक तरीके से। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर भी अब हमें पता है। अच्छा, अब शंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा हमारी होगी, शंट की वैल्यू अगर हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है, द लोअर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस द हायर द रेंज ऑफ एमिटर। मान लीजिए आई अब हमें मेजर करना है, तो आई के लिए अगर यहाँ से देखें, आई आएगा आपके पास RG+RSH/RSH IG, तो I=1+RG/RSH IG। मान लीजिए अब हमारे पास किसी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर का अपना IG तो फिक्स होगा, RSH की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएं, RSH शंट की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएं, तो जितना शंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये क्वांटिटी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमें जो रीडिंग मेजर करनी है, जिस रेंज का एमिटर बनाना है, वो रेंज हमारा क्या होता जाएगा, RSH अगर बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो रेंज ऑफ एमिटर जो हमें मेजर करना है आई भी क्या होता जाएगा हमारे पास, फिर कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ से नोट करके कि हमें इसकी वैल्यू को बढ़ाना है, तो RSH जो शंट है उसको और हम क्या करेंगे, कम करेंगे। शंट ऐसे ही बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो ये जितना कम होगा इसका रेंज, गैल्वेनोमीटर को हम बड़े रेंज का एमिटर बना सकते हैं मेजर करने के लिए, आई मेजर करने के लिए। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि लोअर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस
लोअर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस द हायर द रेंज ऑफ एमिटर, हायर द रेंज ऑफ एमिटर मतलब हायर द रेंज ऑफ एमिटर का मतलब है कि हम हायर आई जो है, हायर जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक एमिटर की कहानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं, तो वोल्ट मीटर के लिए पता है आपको कि यही गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर के लिए कैसे यूज़ हो पाएगा। ए वोल्ट मीटर होता क्या है वो पता है आपको कि एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आती है। तो वोल्ट मीटर बेसिकली हमारा एक ऐसा डिवाइस है विच कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, विच कैन मेजर एन इंस्ट्रूमेंट, ए वोल्ट मीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट इन द सर्किट। ए गैल्वेनोमीटर कैन डायरेक्टली मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि उसमें स्मॉल करंट केवल आईजी जा सकता है। वी हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन इन द गैल्वेनोमीटर, वॉट वी गेट आफ्टर मॉडिफिकेशन इज नोन एज वोल्ट मीटर। तो हम इस गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करके हम उसे क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर। अब वो कैसे बनाते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। अब इसी गैल्वेनोमीटर से जैसे हमने पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट जिसको बोला था वो कनेक्ट करके हमने रीडिंग्स को बढ़ा दिया था, आई की वैल्यू को बढ़ा के उसे एमिटर बना दिया था, उसी तरीके से हम जो है गैल्वेनोमीटर में सीरीज में एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करेंगे इन सीरीज, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर बन जाएगा। फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये सबको पता है कि ये यहाँ पे जैसे मुझे करंट यहाँ से आई आ रहा है, मुझे इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं ये जो वोल्ट मीटर है इसके पैरेलल लगाऊंगा। ये सबको पता है क्योंकि जो इसका ड्रॉप होगा वही इसका ड्रॉप होगा वही ये मेजर करेगा। तो कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट हुज पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी मेजर। अब बात ये आती है कि हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने जैसे देखा कि उसमें हम एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं एंड दैट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो देखते हैं कैसे। तो गैल्वेनोमीटर का बेसिक जो सर्किट था वो तो हमें पता है, ये जी है गैल्वेनोमीटर, उसका ये जो कॉयल था उसका यहाँ शो हो रहा है रेजिस्टेंस जिसको हमने आरजी नाम दिया था। इसको आपने क्या किया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, अभी तक ये सर्किट पूरा हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो ये गैल्वेनोमीटर होगा, इसी में हम कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं क्या, कि ये जी है ये आर जी है। अब इसी में एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस आर लगा रहे हैं, तो अब ये जो पूरा सर्किट है ये सर्किट हमारा क्या बन जाएगा, अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के इंटरनल सर्किट आपको ध्यान रखना है, एक आरजी होगा और एक आर होगा सीरीज में। अब मुझे जैसे यही था, इसको हमें क्या करना है, अब ये ए बी है तो इस पॉइंट ए और बी के अबाउट अगर हमने इसको वोल्ट मीटर लगाया है, मतलब वोल्ट मीटर मतलब क्या होगा, उसमें जी होगा आरजी होगा और आर होगा, और मुझे अब ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये करंट आई आ रहा है, इसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो हमें अब इसे मेजर करना है, ये पूरा जो है अब एक वोल्ट मीटर है। तो हमने क्यों लार्ज रेजिस्टेंस लगाया, जैसे वहाँ शंट में हमने स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों लगाया था, क्योंकि हम चाहते थे कि मैक्सिमम करंट क्या हो, आई माइनस आई जी जो मैक्सिमम करंट था वो शंट से पास हो, क्योंकि लिमिटेशन था कि गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा होगी तो कॉयल बर्न हो जाएगी। तो हमने आई जी केवल पास कराया था, आर एस एच को एडजस्ट करके आई माइनस आई जी वहाँ से पास हुआ था। यहाँ पे भी हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें ये निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप वी ए माइनस वी बी। तो आप क्या चाहोगे कि मैक्सिमम यहाँ पे आई जी गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट जो हमारा हो आई माइनस आई जी, आई जी बहुत स्मॉल होता है तो नियर अबाउट एरर तो आता ही है। अब ये भाई हमें आई इंटू आर करेंगे तब हमें वी, ये जो आर ए और बी के बीच का कोई रेजिस्टेंस होगा उसको हम
आई इंटू आर ई बी करेंगे तो हमें वी ए माइनस वी बी मिलेगा, लेकिन आई जी हमारा बहुत स्मॉल होता है तो आई जी तो यहाँ चला गया, तो जो भी हम चाहेंगे कि मैक्सिमम जो है एरर ना आए उसके लिए आई माइनस आई जी नियर अबाउट किसके बराबर हो, आई के। इसका मतलब हम यहाँ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आई जी और क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ये बढ़ता जाएगा तो आई जी हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और तो मैक्सिमम करंट हमारा आई का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होगा वो यहाँ से पास होगा, तो हमें जो ड्रॉप है वो एक्यूरेटली मिलेगा, जो आई इंटू आर ए बी का ड्रॉप है ये है मैं एक्चुअली वी ए बी, तो ये तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमें टोटल आई यहाँ से पास नहीं हो रहा है। हमारा जो पास होगा वो होगा आई माइनस आई जी इंटू आर ए बी, ये मिलेगा हमें। तो ये तो मिलेगा आई माइनस आई जी इंटू आर ए बी, लेकिन हम ये ट्राई मारेंगे कि जो आई जी है वो नियर अबाउट कम हो। एक तो ये ऐसे ही कम होता है, हमने यहाँ पे और एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये और कम हो गया, तो नियर अबाउट आई माइनस आई जी आई के बराबर होगा, एरर हमें बहुत कम मिलेगा और इसके बिहाफ का जो ड्रॉप है यहाँ पे वो उसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे वेरी लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो हम एक इक्वेशन यहाँ पे वोल्ट मीटर के लिए भी लिख सकते हैं, और ये जो है यहाँ पे जैसे वी ए बी को हमने कुछ वी बोल दिया तो वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू आर ए बी, और इसी ड्रॉप को, ये जो ड्रॉप है ये इस सी डी के ड्रॉप के बराबर होगा, ये जो वी ए बी का ड्रॉप है, या तो आप आर ए बी पता है तो ऐसे लिखिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस वी ए बी इज इक्वल टू वी सी डी, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस वी सी डी वी ए बी, और इसको हम वी बोल सकते हैं। तो एक तरीके से हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वी इक्वल टू, हमें ये रेजिस्टेंस आर ए बी का नहीं पता है लेकिन ये जो ड्रॉप होगा वो इसके पैरेलल में है तो इसके बराबर होगा, तो हमने ये ड्रॉप जो है यहाँ से ना निकाल के आई जी इंटू आर जी प्लस आर से निकाल लिया, तो ये जो ड्रॉप होगा वो वी ए बी के बराबर होगा, और इसको मैंने वी मार्क किया, तो ये जो वी होगा इस वी की वैल्यू होगी आई जी आर प्लस आर जी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे कि कितना आर निकाले जिससे कि हमें इतने का वोल्ट ड्रॉप मिले, तो आर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, आर हमारा हो जाएगा वी अपॉन आई जी, वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, तो हमें कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करना है वो हम निकाल सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन जो हमारा निडल का है वो प्रोपोर्शनल टू आई जी है, और अगर वो प्रोपोर्शनल टू, अब ये देखिए रीडिंग कैसे आती है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे आएगी, हमें पता है कि आई जी प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है, और यहाँ से हमें ये भी पता है कि ये आई जी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है, तो वहाँ से हम आई जी के बारे में कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफ्लेक्शन पता है, तो आई जी के प्रोपोर्शनल जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी वी के भी प्रोपोर्शनल होगा, और वहाँ से हमें फिर रीडिंग मिल जाएगी। तो ये हमारा जो है बेसिक मैथमेटिकली, आप कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, इंटरनल सर्किट याद रखना है, और बेसिक है कि गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का मैंने यहाँ पे फिर फंक्शन जो है यहाँ पे डिस्कस किया है।